फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। IPL 2022 के लिए मेगा ऑक्शन का आयोजन 12 और 13 फरवरी के बेंगलुरु में किया जाएगा। इस दौरान सभी फ्रेंचाइजीज नीलामी में शामिल होंगी और अपनी टीम पूरी करने के लिए खिलाड़ियों को खरीदेंगी। पुरानी 8 टीमों के पास अधिकतम 4 खिलाड़ी हैं, वहीं दोनों नई टीमों के पास 3 खिलाड़ी हैं। मुंबई ने अपने कप्तान रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड और एक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को रिटेन किया है। मेगा ऑक्शन में मुंबई सबसे पहले एक लेग स्पिनर और एक विकेट कीपर बल्लेबाज को खरीदना चाहेगी। इसके अलावा मुंबई स्पिन बोलिंग ऑलराउंडर और तेज गेंदबाजों को खरीदने पर भी फोकस करेगी। मुंबई के पास एक ओपनिंग बल्लेबाज, कप्तान, फिनिशर और एक तेज गेंदबाज पहले से ही हैं। बता दें, मुंबई इंडियंस की पर्स से 42 करोड़ रुपए की रकम अभी तक कट चुकी है। वहीं मेगा ऑक्शन के लिए मुंबई इंडियंस के पर्स में 48 करोड़ रुपए हैं। मुंबई लंबे समय से बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ पारी की शुरुआत कर रही है। इससे विपक्षी गेंदबाजों को लय पकड़ने में परेशानी होती है। IPL 2022 में भी रोहित ये कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे। ऐसे में देवदत्त पड्डीकल पर मुंबई बड़ा दांव खेल सकती है। 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले पड्डीकल अब तक विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेल रहे थे, लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया था। पड्डीकल ने IPL 2021 में अपना पहला IPL शतक जड़ा और इस सीजन में भी RCB के लिए वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल रहे। वहीं ईशान किशन भी अब तक मुंबई की टीम का हिस्सा थे, लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया। IPL 2021 में किशन खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन आखिरी की कुछ पारियों में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। इसका असर ये हुआ है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप में भी मौका दिया गया, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले किशन IPL में ये दिखा चुके हैं कि उनके अंदर कितनी प्रतिभा है। 61 IPL मैचों में किशन ने 28.47 के औसत से 1452 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 136.34 का रहा है। किशन IPL में 9 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व सलामी बल्लेबाज जॉनी बेस्टो ने भी IPL में खूब रन बनाए हैं। बेस्टो ने 2019 में ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ IPL में पहला मैच खेला था। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में 28 मैचों में 1038 रन बनाए हैं। 2021-2022 एशेज श्रृंखला में इंग्लैंड के लिए पहला शतक बनाने वाले इस बल्लेबाज पर मेगा ऑक्शन में बड़ी बोली लग सकती है। उनका बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए है। बेस्टो विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज होने के साथ ही विकेट कीपर भी हैं, जो मुंबई की 2 अहम जरूरतें पूरी करेंगे। शिखर धवन IPL में लगातार रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं। अब तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले इस सलामी बल्लेबाज ने वनडे और T20 में लंबे समय तक रोहित के साथ भारतीय टीम के लिए ओपनिंग की है। धवन और रोहित की जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ऐसे में मुंबई की टीम धवन को फिर से रोहित का जोड़ीदार बनाना चाहेगी। वो पहले भी IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। धवन IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सिर्फ विराट कोहली से पीछे हैं। उन्होंने 192 IPL मैचों में 5784 रन बनाए हैं। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ है, लेकिन उन पर बड़ी बोली लगना तय है। वहीं क्विंटन डिकॉक पहले भी मुंबई की टीम का हिस्सा रह चुके हैं और IPL में लंबे समय तक रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की है। उन्होंने IPL में 77 मैचों में 31.33 के औसत से 2256 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 16 अर्धशतक निकले हैं। हाल ही में भारत के खिलाफ सीरीज में डिकॉक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। इस वजह से कोई भी टीम उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहेगी। डिकॉक को फिर से रोहित का जोड़ीदार बनाने के लिए मुंबई इंडियंस बड़ा रकम खर्च कर सकती है। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। न्यूज़ तक ब्यूरो।